आज के इंडिया और न्यूजीलैंड के जो मैच है उसमें विराट कोहली 70 रन बना के आउट हो गए। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, विराट फैन के लिए भी और मेरे लिए भी। ये बहुत दुखद बात है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि विराट कोहली ने 9,000 रन पूरा कर लिया, जो इंडिया के चौथे बैट्समैन हैं। पूरे इंडियन जो बैट्समैन है उनमें से सचिन तेंदुलकर 15,000 रन बनाए, राहुल द्रविड़ जी जिन्होंने 13,000 रन बनाए, और जो गावस्कर साहब है उन्होंने 10,000 रन बनाए। उसके बाद हमारे जो विराट कोहली सर है उन्होंने 9,000 रन बना दिए। और एक अच्छी खबर है कि विराट कोहली हाफ सेंचुरी के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने 264 सेंचुरी मारा है और रिकी पॉन्टिंग ने 217 सेंचुरी मारा है, जबकि विराट कोहली ने 235 सेंचुरी मारा है। और विराट कोहली अगर रहते न्यूजीलैंड के जो आने वाले इनिंग्स में तो हम ज़रूर मैच जीतने की उम्मीद कर सकते थे। अभी भी उम्मीद है, अभी भी सरफराज है, रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, रविचंद्रन अश्विन है, ऋषभ पंत है, लेकिन कोहली होता तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि कोहली वो बैट्समैन है आज उसके सेंचुरी डिजर्व करता था। और सेंचुरी होता तो जो हाईएस्ट सेंचुरी के मामले में एक कदम आगे चला जाता। अभी तो फिलहाल सचिन तेंदुलकर साहब सबसे आगे है, उसके बाद जो रूट है और उसके बाद हमारे विराट कोहली जी है। लेकिन विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड वनडे में तोड़ दिया है और हम आशा रखते हैं कि कोई इंडियन ही उसको सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है, वो तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की भगवान कहा जाता है और ये बात सही भी है, लेकिन विराट कोहली जी को से भी हम एक्सपेक्ट रखते हैं कि वो टेस्ट में कुछ अच्छा करे, क्योंकि टेस्ट में वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है कई मैचों में से। क्योंकि बहुत एक तो इंडिया अभी टेस्ट सीरीज कम खेल रहा है और ऊपर से विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं है, तो आशा रखता हूँ जो 70 रन आने वाले दिनों में उनका फॉर्म और अच्छा होगा और वो ज़रूर अच्छा करके दिखाएगा। सेंचुरी के मामले भी अभी वो सचिन तेंदुलकर और जो रूट से कुछ ही कदम दूर है, और विराट कोहली से हमारे उम्मीद है सारे इंडियन को, सारे इंडियन क्रिकेट फैन को, विराट कोहली जी अब अच्छा करो। लेकिन आज जो आउट हुआ वो हार्ट ब्रेकिंग था। आखिरी गेंदों में कैच दे दिए जो ग्लेन फिलिप्स के बॉल पर, ये मेरे लिए तो बहुत ही दुखद था। मैं चाहता था, रोहित शर्मा ने भी सर पे हाथ रख लिया था और सारे इंडियन फैंस ने भी, इसका सभी को दुख हुआ, लेकिन आशा करेंगे कि आने वाले दिन में विराट कोहली जी का फॉर्म बरकरार रहे और आने वाले टेस्ट सीरीज में वो कुछ अच्छा करके दिखाए। सेंचुरी देखने के लिए हम टेस्ट में तरस गए विराट कोहली जी आपसे, तो हमारा अनुरोध है थोड़ा देख के खेलिए और सेंचुरी ज़रूर लगाए। इंडिया का होप हो आप और आप डिजर्व करते हो ऐसे सेंचुरी का, उस पोजीशन का, हम आपके साथ हैं। और कोई कोई जो लोग हैं जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनके लिए ये जग्गो जवाब था, आपका फॉर्म वापस आया, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। कोई कोई बोल रहा है कि आप इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हो, सिर्फ क्रिकेट के लिए भारत आते हो, लेकिन आप दिखा दो कि आप कौन हो, किंग कोहली इज किंग कोहली, वो ज़रूर कुछ आने वाले दिनों में करके दिखाएगा। आज ज़रूर सेंचुरी नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिन में इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ देखते हैं कल क्या करता है। मेन की प्लेयर जो सरफराज खान है उसको टिक के खेलना है, और हमारे जो ये चार बैट्समैन है अभी, इनमें से किसी एक को सरफराज का साथ देना है, 600 के ऊपर स्कोर बन जाता है तो हम ये मैच जीतने की उम्मीद रख सकते हैं। मैच तो हम जीतने के लिए ही खेलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है कल। आशा करता हूँ हम जीतेंगे। अगर हम जीतते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा, जो पहली पारी में 50 रन भी बना नहीं पाया और मैच जीत के दिखाया, और इंडिया से तो यही उम्मीद किया जा सकता है। तो देखते हैं कि इंडिया जीत सकता है कि नहीं, कल देखेंगे कल का जो क्रिकेट है उसका पूरा वर्णन। लेकिन विराट कोहली के लिए बहुत ही दुख है हमारे को,
खेद है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।